नमस्कार साथियों, सभी का BSR स्टडी पॉइंट या यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं कि जिनका नाम PTT सेकेंड लिस्ट के अंदर आया है उनका अब क्या प्रोसेस रहेगा, क्या वो भी अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं, दूसरी बात दो बार अपवर्ड मूवमेंट भी लगा सकते हैं या कैसे, कि जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट के अंदर आया है क्या वो पुनः एक बार अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं क्या, उनकी बात करने वाले। साथ में और भी कुछ अन्य मुद्दे हैं PTT से लेकर, मैं उनकी सभी की बात करने वाला हूँ। अगर विद्यार्थियों आपका सेकेंड लिस्ट के अंदर नाम आया है, आपको कॉलेज मिली है, तो भाई आप भी अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हो। कब लगाओगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कॉलेज आपको जो मिली है सेकेंड लिस्ट के अंदर, सबसे पहले तो उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग की अंतिम डेट 30 तारीख है, ठीक है। रिपोर्टिंग की अंतिम जो डेट है वो ये जो पूरा मंथ मान लो आप, यानी अगर अपन बात करें तो 31 तारीख है, पूरी की पूरी ये डेट है आपकी है। इस बार देख सकते हो पूरी की पूरी क्या है, 31 तारीख तक आप क्या करा सकते हो, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करा सकते हो। और फीस वगैरह की बात करें 22,000 चालान वाले, वो आप 30 तक करवा सकते हो, और 31 तक आप क्या करवा सकते हो, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हो। अब कॉलेज में रिपोर्टिंग हो जाती है, होने के बाद तुरंत आपको अभी ऑप्शन नहीं आया है, जैसे अपन 2 ईयर पर क्लिक कर दें, एक बार रुको, जैसे अपन यहाँ पर 2 ईयर पर क्लिक करते हैं, तो जैसे 2 ईयर पर अपन क्लिक करेंगे, 2 ईयर पर क्लिक करने के बाद के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर चेक स्टेटस, इनके अलावा अपन बात करें कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। जैसे ही आपका आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करा देते हो, तो यहाँ पर आपका 2 ईयर पर क्लिक करते हो, आपको अपवर्ड मूवमेंट का नाम शो हो जाएगा। ये अपवर्ड मूवमेंट सिर्फ 2 ईयर वालों का आएगा, आया नहीं है, आएगा सिर्फ 2 ईयर वाले कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर मैं मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट के अंदर है, मैं अपवर्ड मूवमेंट दोबारा लगा सकता हूँ क्या, एक बार मेरी चेंज हो गई, मैं दोबारा और लगाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो आपका भी नाम अपवर्ड मूवमेंट में होगा, एक बार आएगा अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन आप इसके साथ में सेकेंड लिस्ट वाले के साथ में नहीं लगा सकते। अब जो अपवर्ड मूवमेंट आएगा वो सिर्फ सेकेंड लिस्ट वालों के लिए है, थर्ड लिस्ट भी आएगी तो थर्ड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट अलग होगा, उसके अंदर न तो सेकेंड वाले भाग ले सकते न आपके फर्स्ट लिस्ट वाले भाग ले सकते। तो अंत के अंदर जैसे चौथी लिस्ट आ गई या तीसरी लिस्ट आ गई, कोई भी आओ, तो उस लिस्ट के अंदर आपको समक्ष बोल दिया जाएगा कि इस अपवर्ड मूवमेंट में फर्स्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं, तुरंत बोला जा सकता, आपका नाम आ जाएगा, तो ही आप उसमें क्या कर सकते हो, भाग ले सकते हो। अगर आपका नाम नहीं है, अपने रोल नंबर वगैरह यहाँ पर डालने की कोशिश की, तो इनवैलिड बता देगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। ये बात होगी भाई अपवर्ड मूवमेंट किसका होगा और किसका नहीं होगा, ठीक है। यानी आप कब तक अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं, आपके पास 2 या 3 बार ऑप्शन आएगा जरूर, ठीक है। अब बात रही कि सर थर्ड लिस्ट आएगी क्या, बिल्कुल थर्ड लिस्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट के अंदर आया है वो दोबारा अपन बात करें अपवर्ड मूवमेंट अगर ऑप्शन आएगा तो लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार हो गया है, चेंज भी हो गई, दोबारा हो जाएगी, चिंता ना करें, ठीक है। अब अपन बात करेंगे जिन विद्यार्थियों को थर्ड लिस्ट के अंदर नाम मिलेगा वही प्रोसेस रहेगा, उनको भी मौका अपवर्ड मूवमेंट का सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको दे दिया आपको नहीं दिया, सबको अपवर्ड मूवमेंट का मौका है जो कि दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारी जो कॉलेज है वो डोनेशन पे नहीं ले रही है, यानी वो डोनेशन नहीं ले, क्या करे। देखो राजस्थान के अंदर ऐसा है कि 98% जो कॉलेज हैं वो डोनेशन लेती है, 2-3% कॉलेज हैं जो डोनेशन नहीं लेती है, भाई जो डोनेशन नहीं लेते हैं उनका कोई सिस्टम होगा, रूल होगा, सब डोनेशन के खिलाफ होगे, तो उन्हीं कॉलेजों के अंदर आपको रेगुलर जाना है। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि सर ये डोनेशन नहीं ले रहे, हम डोनेशन पर करना चाहें क्या करें, भाई सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उनके पास सिर्फ एक मौका है, ये मौका वही है कि आप क्या करो, रेगुलर जाओ, ठीक है। अगर रेगुलर नहीं जा रहा मौका तो क्या है, रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं जाना इच्छा है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का अगर ऑप्शन आता है, सबसे बड़ा बेस्ट रास्ता वही है कि अपवर्ड मूवमेंट का वेट करें। अगर अपवर्ड मूवमेंट आपके समक्ष आ जाता है तो आपको फिर से दोबारा दूसरी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब उसके अंदर ही पैसे ले ना ले वो गारंटी नहीं है भाई, वो तो आपके ऊपर किस्मत का खेल है वो तो, ठीक है। अब अंतिम में एक बात करना चाहूँगा भाई, PTT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो अपने डाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपने लोगों ने दिया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप बिल्कुल कर दीजिए। जैसे भी राजस्थान के अंदर और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं अपनी, जो भी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, सेकाउटी है, राजस्थान जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सबका अलग अलग रूल रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स का होता है, कहीं ओरिजिनल लेते हैं कोई ओरिजिनल नहीं लेते हैं, तो वो अपने स्तर पर आप सभी काम वो करें। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट वगैरह है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हो, नंबर है 9852385349। अगर आपको कॉलेज सरदार शहर मिली है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, अगर आपको कॉलेज तारानगर मिली है, तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क आप जरूर करिए। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।